कोटड़ा गुजरात सीमा पर चेक पोस्ट पर पुलिस हुई सख्त, ग्रामीणों को उठानी पड़ रही परेशानी। कोटड़ा क्षेत्र के पिपलेश्वर महादेव मंदिर चेक पोस्ट व गांधी सरना चेक पोस्ट पुलिस ने सख्ती बरतते हुए मार्ग सील कर दिया। कोटड़ा क्षेत्र से यह गुजरात की ओर जाने वाला प्रमुख सड़क है। पुलिस प्रशासन की सख्ती से रोजमर्रा के कार्य के लिए आने वाले ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही। कई लोगों को गुजरात क्षेत्र में ही वाहन पार्क कर कोटड़ा पैदल चलकर आना पड़ा। कोटड़ा क्षेत्र से यही मार्ग मामेर क्षेत्र के 12 पंचायतों को भी जाता है, जिससे कोटड़ा आए रोजमर्रा कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को उठानी पड़ी परेशानी। आज गोडड़ा ग्राम में गांव के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन कभी भी नाका बंद कर देता है गुजरात बॉर्डर को, और कभी भी चालू कर देता है। गांव वालों को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि कब बंद करना है और कब चालू रहेगा। आज ये गाड़ी खड़ी हुई पीछे दो दो तीन तीन घंटे से खड़ी हुई है। कभी कहते हैं सुबह 11 बजे तक खुला रहेगा, कभी कहते हैं 7 बजे तक, कभी 24 घंटे चालू रहता है। आज ये बंद कर दिया बिना कुछ कहे इन्होंने। आप ये बताओ कि गाँव वालों को सूचित करें कि बॉर्डर चालू है या बंद है। कहीं पास दिए जाते हैं, कहीं पास बंद कर दिए जाते हैं, क्या है? मैं गुजरात गया था सामान लेने, सुबह जाने दिया। पुलिस वालों ने यूँ नहीं किया था कि आप वापस रिटर्न जा रहे थे हो, आने नहीं देंगे। इसके हिसाब से हमको यूँ बोला नहीं था कि आप जा रहे हो तो वापस आना मत, तो किया नहीं पुलिस वालों ने, तो हम चले गए। अब चले गए तो अभी आए तो 3 घंटे से हम धूप में खड़े, ना गाड़ी हमारे को आने दे रहे, जाने दे रहे घर तरफ। अब हम यहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं गुजरात पुल के ऊपर, नदी पे कोटड़ा गढ़ी रास्ता है और जो कोटड़ा कस्बे में जाता है उस रोड पे हम खड़े हुए हैं और हमको जाने नहीं दे रहे। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल बंद है। ठीक, हमारे को सुबह ही बताया होता तो हम जाते नहीं। कुछ सामान के लिए गए थे खाने का, जैसे दाल है, तेल है, हमारा गुजरात में पास पड़ता है। तो सुबह बॉर्डर पे पुलिस वालों ने यूँ भी नहीं किया कि आप जा रहे हो वापिस, आने कितनी बजे, यूँ पूछा ही नहीं हमारे से। रोड खुला था, आवक जावक चालू थी, लेकिन ये अभी अचानक बंद कर दिया। 4 घंटे से धूप में खड़े हम।